जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, हम सब परेशान है। ऐसी स्थिति में महर्षि आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। से परेशान नहीं होना, पर मोह के कारण हम परेशान तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हाँ हमारा अपनापन हो जाता है ना कि मेरा बच्चा है, पर ये जीव आपसे अपना हिसाब लेके ही रहेगा, ये आपका हिसाब लेने आया है। अगर देने आता ना तो स्वस्थ विवेकवान और ऐसे आचरण करता, ऐसी कमाई करता कि आपको हर्ष होता, सुख होता। अभी पूर्व कर्म के अनुसार बेचारा अब जीव बंधन में होता है, इसके रहस्य को समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर ये जीव आपका पुत्र नहीं है असली में समझो। पहली बात तो भगवान का अंश है, दूसरी बात सृष्टि में आपके द्वारा और इसके द्वारा कोई ऐसे कर्म बने हैं जिनसे इसके द्वारा आपको कष्ट होगा और उस कर्म के द्वारा ये स्वयं में पीड़ित है, स्वयं में परे। बिल्कुल आप सच्ची बात समझिए, कोई यहाँ किंचन मात्र किसी को कष्ट नहीं दे सकता, हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे सामने। अब घबराना नहीं, देखो ये जो जीव है ये कभी नहीं मरता, ये शरीर कभी नहीं टिकता, किसी का नहीं टिका। भगवान भी अवतार लीला तो अंतर्धान होने की लीला उन्होंने भी की। देखो राम जी सरयू में और कृष्णचंद्र जी के पैर में वो व्याध बाण मारता है और उसको पहले परमधाम भेजते हैं, फिर आप परमधाम। तो देखो यहाँ का नाम है मृत्यु लोग, यहाँ जाना ही है शरीर का भोग भोग करके, पर चैन से धर्मयुक्त रहो, इसकी जितनी सेवा बने इसको सेवा करो, प्रोत्साहन देते रहो। और जरूरी नहीं है कि ये आखिरी कर्म ही आया है, हो सकता है कर्म समाप्त हो ठीक हो जाए, ऐसा होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। पर हमारी सहयोग की बात, अगर ये थोड़ा नाम जपने लगे और ठाकुर जी का चरणामृत, आपको अमोघ बात बता रहे हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, विश्वास की बात होती है ना। अगर आप जैसे बिहारी जो राधा वल्लभ जो जाइए वहाँ चरणामृत मांगे और पात्र दे दीजिए तो वो कृपा करके दे देते हैं। अब जैसे उस पात्र में मान लो इतना दिया और आप जल मिला लो 5 लीटर, तो 5 लीटर चरणामृत सुबह दोपहर शाम चरणामृत पियो और राधा राधा नाम जप करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु भेजा है तो थोड़ा आपकी कुछ सेवा भी कर ले। अब अभी संसार नहीं देखा, कोई कार्य नहीं किए और आप ऑफिसर बना के भेजे तुरंत ऑफिस से बुला ले, तो फिर अगर आप सेवा करने का अवसर दे तो जन्म सार्थक हो जाए। और चिंता मत करना, हमारी दोनों किडनी खराब है लेगा, क्या कर लिया 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष इसका कष्ट सहते हुए, सुबह 5 उल्टी हुई होंगी हमारे, 2 बजे हम स्नान करते हैं, 1:30 बजे लगभग उठ जाते हैं, तो 5 मिनट हिम्मत नहीं कि हम निकल सके। जब आए तो ऐसे धीरे 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 धीरे, और देखो सत्संग और 7 दिन चर्या चल रही, दोनों किडनी इस हालत में है कि अगर हम अपने को जरा सा छूट दे दें तो बिस्तर से ना उठ पाए। ये जैसे लोग त्याग रहेंगे तो सत्संग मत, हमका अगर एक दिन हमने छोड़ा तो मार देगा मन कि अरे हमें बहुत कष्ट है, बिल्कुल नहीं, इसको हम रगड़ रहे हैं। जैसे ना पता है कि बेईमान नौकर भागी जाएगा तो फिर जितना काम करवा लो भाग जाएगा ही, ऐसे ही हम इससे व्यवहार करते शरीर से, ये जाएगा ये बेईमान है हमारा साथ देगा नहीं, अब इसे जितना कर लो। तो माता पिता के रोज चरण छुओ और नाम जप करो, प्रभु से एकांत में तुम स्वयं प्रार्थना करो, प्रभु आप सर्वसम्मत हैं, आप नई सृष्टि रच देते हैं, कहीं सर के आपके लिए चरणामृत पियो राधा राधा जो, बिल्कुल बेपरवाह। देखो एक बार तो मरना है ये सबको, क्यों पहले तो घबराने की तो जरूरत है ही नहीं, और हम तुम्हारे दोस्त हैं तो क्या घबराना है। अरे अगर दोस्त ना होते तो तुम ना आते हमसे मिलने, तुम्हारे भाग्य है श्री जी के धाम है श्री जी, तो तुम्हें घबराना नहीं, मस्त रहो, मतलब बिल्कुल हम सही कहते हैं मस्त रहो, अगर वो चाहे ना, हाँ वो चाहे तो। अब आप तो कह रहे 18 वर्ष हो गए किडनी फेलियर डायलिसिस होता है, क्या क्या कष्ट होते हैं, लेकिन वो अपना चला रहे तो उनका जो, अच्छा अगर बुला भी लेंगे, हम एक बात करें तो हम लोग मोह के कारण थोड़ा कि हमारा लड़का नहीं तो इससे अच्छी पोजीशन मिलेगी, जो हम तुम्हें बता रहे छोड़ना मत, चरणामृत मत छोड़ना और नाम जब, अगर कुछ भी ना बना तो आज का जो तुम्हारा एक कर्म बना है आना संत दर्श और सामने संभाषण, यमराज के दरबार में जाने वाली बात तो खत्म हो चुकी, तुम्हें लिख लियो। तो एक बार वृंदावन आ गए, एक बार तुमने, अब हम